बलिया जिला परिषद के सभागार में जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, एसडीओ सत्येंद्र गुप्ता, नगर आयुक्त सावन कुमार, मेयर गणेश पासवान और उप मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित जिले के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि व नगर निगम के वार्ड पार्षद शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जन समस्याओं को लेकर कई बिंदुओं को उठाया गया, जिसके निपटारे को लेकर डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अविलंब आदेश दिया। इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि जन समस्याओं के निपटारे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जन वितरण प्रणाली, सड़क एवं अतिक्रमण से संबंधित कई मामलों को उठाया गया, जिसके निष्पादन को लेकर डीएम ने संबंधित विभाग को आदेश दिया है। डीएम साथ आज बैठक हुई है, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, काउंसिलर महोदय थे। इसमें जन वितरण प्रणाली द्वारा जो शिकायत है उसका निपटारा किया गया है। कुछ रोड की समस्या थी, कुछ अतिक्रमण का मामला है जो निष्पादन किया है। डीएम साहब ने सख्त निर्देश भी दिया है और मीटिंग सफलतापूर्वक रही है, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। वहीं उप मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र में व्यापक जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को विशेष बैठक के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले के तमाम अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रतिदिन विभिन्न सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध किए थे कि जन समस्या से जुड़ा हुआ मामला के संबंध में एक बैठक बुला लिया जाए, संबंधित पदाधिकारियों को बुला लिया जाए, जिसमें गया में जो ट्रैफिक व्यवस्था है और वो चलने फिरने लायक नहीं है। शहर का चौड़ीकरण का मामला है, शहर में चलने योग्य और इनक्रोचमेंट जो अवैध हो रहा है उसको हटाने के लिए, जो गरीब लोगों का राशन की राशन नहीं मिल पा रहा है, कई उसमें समस्याएं आ रही है, उसका निदान कराने के लिए, जिस गरीब को राशन कार्ड चाहिए उसका निदान के लिए, जिनको वृद्धा पेंशन एकदम वृद्ध हैं, लाचार हैं, उनके साथ समस्याएं खड़ी है उसके लिए, और शहर में जहां तहां वन प्रमंडल से काम रोकवा दिया जा रहा है उसके लिए, ये सब कुछ जनहित के जुड़े हुए प्रमुख समस्याओं को लेकर के आज डीएम साहब, एसडीओ साहब, संबंधित सभी पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सारे लोग, मोटेशन में प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके लिए, नक्शा पास में जो हो रहा है उसके लिए, ये सब बिंदुओं पर विमर्श हुआ। डीएम साहब ने सारी बातों को गंभीरता से सुना और सबका निदान करने के लिए, बल्कि बाढ़ में कैंप लगाने के लिए और कैंप वहाँ लगा करके वहीं पर त्वरित निष्पादन करने के लिए उन्होंने घोषणा की और आदेश दिया।